नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। भारतीय अमेरिकी किशोर ने सैन फ्रांसिस्को के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से कथित तौर पर छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। किशोर के माता पिता और अमेरिकी तटरक्षक के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुल पर 16 वर्षीय लड़के की साइकिल, फोन और बस्ता मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि 12वीं कक्षा का छात्र मंगलवार शाम करीब 5 बजे पुल से कूदा था। तटरक्षकों ने बताया कि पुल से किसी व्यक्ति के कूदने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने खोज एवं बचाव अभियान चलाया। लड़के जीवित होने की संभावना बेहद कम है। समुदाय के नेता अजय जैन भुटोरिया ने बताया कि किसी भारतीय अमेरिकी के कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश में गोल्डन ब्रिज से छलांग लगाने का यह चौथा मामला है। ब्रिज रेल फाउंडेशन के अनुसार पिछले साल यहां से कूदकर 25 लोगों ने आत्महत्या की। 1937 में पुल के खुलने के बाद से यहां करीब 2000 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार 1.7 मील लंबे पुल के दोनों ओर 20 फुट चौड़ा लोहे का जाल लगाने का काम कर रही है। इसका काम इसी साल जनवरी तक पूरा होना था, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया।